आज का अपडेट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे पास है NFS मोबाइल का सेकेंड बीटा जो रिलीज हो चुका है। आप सबको कैसे इस गेम को डाउनलोड करना है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन यार थोड़ा बैड न्यूज है। उसके साथ साथ वॉरजोन मोबाइल का नया अपडेट रोल आउट हो चुका है। हिंद वॉरफेयर गेम के बारे में तो आपको याद होगा, जी हाँ जरूर याद होगा। तो इसके रिलीज को लेके गुड न्यूज आ चुका है और आखिर में जाते जाते आपको जानने को मिलेगा क्लैश ऑफ क्लैंस का टाउन हॉल 16 अपडेट जो इसी महीने रोल आउट होगा। तो अगर आपको इन सब अपडेट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ऑब्वियसली सब कुछ तो जानना ही होगा, तो पूरा वीडियो को जरूर देखना। लेकिन पसंद आए तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो हर रोज इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं NFS मोबाइल के सेकंड ग्लोबल बीटा टेस्ट को लेके। इसका जो सेकंड ग्लोबल बीटा टेस्ट है वो रिलीज हो चुका है और उसी को लेके बहुत सारे अपडेट जो है उनके तरफ से शेयर कर दिया गया है, जिसमें से सबसे पहला है CBD2 का टेस्ट रीजन। अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो VPN यूज करके सर्वर कनेक्ट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया और मैक्सिको पे, तभी जाके इस गेम को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। ऑब्वियसली डाउनलोड करने के टाइम अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो हमारे डिवाइस में ये गेम सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब हम इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। थोड़ा मूड खराब कर दिया। जी हाँ मूड तो खराब होगा ही। सोचा था इस गेम को डाउनलोड करके आज ग्राइंड करेंगे, खेलेंगे, क्योंकि इसके ग्राफिक्स को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गेम को हम खेल नहीं पाएंगे। अगर आपका अच्छा डिवाइस है तो इन सब स्टेप को फॉलो करो और आराम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे अपने डिवाइस में चलाने की, जिसके लिए हमें दूसरे तरीकों को अपनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसके बारे में भी उन्होंने बताए हैं, अगर इस गेम को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते हो तो शायद हो सकता है आपके डिवाइस में ये गेम ना चले। तो इस गेम को आपको चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो CBD2 है एंड होने वाला है 19 दिसंबर को, यानी आज का डेट है 7 दिसंबर, तो मतलब 10 दिन 12 दिन के आसपास ये टेस्ट होगा, उसके बाद एंड हो जाएगा। और एंड होने के बाद आपका जो प्रोग्रेशन है उसे रीसेट कर दिया जाएगा और पॉइंट टेस्ट में पार्टिसिपेट कर चुके हो तो उसी को ही कंटिन्यू करके इस CBD2 में पार्टिसिपेट कर पाओगे। आपको अलग से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो दुआ करो यार हमारे डिवाइस में ये गेम रन कर जाए, अगर हमारा कर जाएगा तो आपका भी करवा देंगे और इससे रिलेटेड सभी अपडेट जो है हमारे WhatsApp चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर अभी तक भी जुड़े नहीं हो जरूर से जाके जुड़ लो, बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स भी वहाँ प्रोवाइड करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारा दूसरा अपडेट आ रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल को लेके। कुछ दिन पहले आपको बताए थे 6 दिसंबर को इसका एक अपडेट पुश होने वाला है, जिसमें शायद हो सकता है नए रीजन को ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो अपडेट रोल आउट हो रहा है, धीरे धीरे सभी को मिलना शुरू भी हो जाएगा। 1.30 GB इसका अपडेट साइज है और ऑब्वियसली इन गेम भी आपको अलग से डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके इस गेम में आप लॉगिन कर पाओगे और लॉगिन करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, काफी सारे दोस्त इस गेम को खेलते भी नहीं है। तो इस अपडेट में क्या क्या नया फीचर्स है उसके बारे में तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन आपको बता दूं जब तक इस वीडियो को बना रहे हैं ट्विटर में बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जिसमें पता चल रहा है इस अपडेट के बाद गेम बहुत ही ज्यादा क्रैश कर रहा है। ये तो टट्टी है। इससे पता चलता है कि हर गेम में अपडेट के बाद गेम सुधरता है, लेकिन एक्टिवेशन अपने वॉरजोन मोबाइल गेम में हर अपडेट के बाद गेम को बेकार बना देते हैं। और ऑब्वियसली इसके बाद तो छोटे मोटे पैच अपडेट वो जरूर रिलीज करेंगे ताकि ये सब प्रॉब्लम फिक्स करे, हर अपडेट के बाद ऐसा ही करते हैं। तो मुझे आप लोग कॉमेंट करके जल्द से जल्द बताओ क्या आप वॉरजोन मोबाइल को खेलते हो, अगर खेलते हो तो ये अपडेट आपको मिला है या फिर नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हमारा तीसरा अपडेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बड़ा तो नहीं है लेकिन आप सबको खुश कर सकता है। अगर आपको याद होगा काफी दिन पहले आपको बताए थे हिंद वॉरफेयर गेम के बारे में, जो एक इंडियन मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम होने वाला था, जिसका अनाउंसमेंट तो मुझे जितना याद है 2 साल पहले किया गया था। ऑब्वियसली उसके बाद काफी सारे अपडेट ये पुश कर रहे थे और लग भी रहा था उसी साल ये गेम रिलीज होगा, लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किए। 1 साल तो पूरा सन्नाटा रहा, लेकिन इस साल
काफी सारे नए नए अपडेट्स उनके तरफ से आ रहे थे और फाइनली एक सॉन्ग को रिलीज किए हैं जो आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। स्क्रीनशॉट ही है, सॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं सुना सकते हैं। कल उनके इंस्टाग्राम पे यही पोस्ट शेयर किए हैं जिसमें आप देख पा रहे हो ड्रॉपिंग ऑन अर्ली 2024। उसके नीचे स्टीम का लोगो है और साथ साथ प्ले स्टोर का। तो ये गेम पीसी और एंड्रॉइड में रिलीज होने वाला है अर्ली 2024 में। कौन सा डेट, कौन सा मंथ, इसके बारे में कोई भी डिटेल उनके तरफ से शेयर नहीं किया गया। अगर आप iOS डिवाइस यूज करके इस गेम को खेलने की सोच रहे थे तो मुझे लगता है और एक साल आपको इंतजार करना पड़ सकता है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कब ये गेम रिलीज होता है। इस गेम के लिए एक्साइटेड तो उतना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार इंडियन गेम है, देखते हैं अगर अच्छा गेम निकल के आता है तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, करोगे ना? बात तो सही है। और इस वीडियो का आखिरी अपडेट है, ऑब्वियसली यार अपडेट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि डेविल मे क्राई का रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुका है, लेकिन हर वीडियो में हम चार ही अपडेट्स को कवर करते हैं। अगर आपके तरफ से अच्छा सपोर्ट आता है तो क्या पता आज भी और एक अपडेट वीडियो हम लाएं, तो उसके लिए सपोर्ट करना तो बनता है। तो आखिरी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस से। और ऑब्वियसली इस गेम का नाम सुनते ही आपको पता चल चुका होगा कि बहुत ही जल्दी हमें मिलने वाला है टाउन हॉल 16 का अपडेट। उससे लेके उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किए हैं अपने ट्विटर पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जो आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो, और ये इंस्पायर है नेचर से। जी हाँ, मतलब फूल पत्ते अभी फिलहाल आपके टाउन पे भर भर के देखने को मिलेगा, यानी ग्रीनरी को काफी अच्छे तरह से प्रमोट करने वाले हैं इस टाउन हॉल 16 के अपडेट में, और देखने में काफी तो कमाल का लग रहा है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताओ क्या लगता है ये अपडेट कब तक मिलेगा। उनके तरफ से बताया गया है कि दिसंबर मंथ में ये अपडेट रोल आउट होने वाला है, लेकिन कौन सा डेट में इसके बारे में उन्होंने कुछ भी अभी तक शेयर नहीं किए हैं। लेकिन आप लोग जरूर शेयर कर सकते हो कि आप सब क्या रेडी हो क्लैश ऑफ क्लैंस में अपने टाउन हॉल 15 को टाउन हॉल 16 में अपग्रेड करने के लिए। ऑब्वियसली टाइम तो ज्यादा ही लगेगा, लेकिन यार फिर भी तो करेंगे ही। तो इसी के साथ आज की इस पंचायत को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारे दूसरे चैनल पे वंस ह्यूमन का पहला गेम प्ले भी आज शायद मिलने वाला है। उसका सेकंड बीटा रिलीज हो चुका है, उसको हम खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, तो जरूर से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से इंटरेस्टिंग अपडेट वीडियोस देखने के लिए। सिर्फ आपको साइड के लोगो बटन को दबा लेना है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।